कांग्रेस कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर हाँ जो लीगल इंचार्ज था कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव के अंदर, वो इस मामले का कर्नाटक उच्च न्यायालय में वकील था देवदत्त कामठ। और दूसरी बात बता दूं तो जब ये सर्वोच्च न्यायालय चले गए थे तो इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष याचिकाकर्ता थे, उनके कहने पे ये याचिका उच्च न्यायालय में चलते हुए सर्वोच्च न्यायालय में गई जब वो वापस भेज दी गई थी कर्नाटक उच्च न्यायालय में। तो कांग्रेस बता दे, शाहबानो भी देख लिया, अब ये हिजाब राव भी देख लिया। ठीक है साधना जी से एक छोटा सा जवाब इसका दे लेते हैं। वो कह रही है आपके दिखाने के और खाने के दांत अलग अलग हैं। साधना जी छोटा सा जवाब इस पर। जी आदरणीय अंजना जी, सबसे पहली बात ये हम स्पष्ट कर देते हैं पार्टी की तरफ से कि हम ये नहीं कह रहे हिजाब पहनना जरूरी है। सीधी बात है, जिस तरह पुरुषों को एक स्वतंत्रता है कि कुछ भी पहने, महिलाओं को भी होनी चाहिए। नुपुर समानता की बात कर रही थी और SDPI PFI और बजरंग दल किस तरीके से जय श्री राम के नारे उन बच्चियों के सामने लगाकर और भगवान राम जी के नाम का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं की किस तरह अपमानित महिलाओं को किया जा रहा था वो सबने देखा, तो किस तरह आते वो समझ में आ रहा था। और उत्तर प्रदेश चुनाव में पोलराइजेशन करने का काम आप ही चाह रहे थे, वो हम नहीं चाहते, वो हमेशा आप चाहते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति। दूसरी बात मैं कहूंगी कि हिजाब की जब आप बात करते हैं, आप भी स्कूल में पढ़ी, आप पब्लिक में पढ़ी, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ, सरस्वती वंदना सभी लोग करते थे, सरस्वती माता की मूर्ति पर प्रत्येक धर्म की जो बच्चियां वहां खड़ी होती थी उनके समक्ष माल्यार्पण भी किया जाता था, टीका लगाकर भी हम जाते थे, कलावा बांधकर भी जाते थे। मैं ये नहीं कहती कि आप जबरदस्ती हिजाब पहनाइए या जबरदस्ती कुछ पहनाइए। और इसी तरीके से स्कूल में चुन्नी जो दुपट्टा है डाला जाता है, उस दुपट्टे को चाहे तो आप सर पर रख लीजिए, तो क्या उसको गलत कह देंगे? इसका मतलब अभी अगर आप हिजाब की बात कर रहे हैं तो देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, हम इंतजार करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर क्या कहते हैं। ठीक है ठीक है, लेकिन इस दो लाइन का जवाब नूपुर जी, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है, दो लाइन का जवाब। देखिए मैं इनको जरा बताना चाहूंगी कि 2018 में केरला उच्च न्यायालय ने ऐसे ही दो बच्चियों की याचिका को खारिज किया था कि तुम सरकार को और स्कूल कॉलेज को नहीं बताओगे कि तुम्हारी पहनावा मतलब पोशाक क्या होगा, कि तुम हिजाब पहन सकती हो कि नहीं। बारी बारी उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, ये मैं आपको बता दूं पहले ही, कि ये जो हिजाब है वो या तो सरस्वती वंदना और हाथ पे बांधे जाने वाले में खासकर धार्मिक धागे से जोड़ रही है। इसमें भी बता देती हूँ, इसमें भी बता देती हूँ, अगर आज अंजना जी मेरी जवाब सुन लीजिए, अगर आज का जजमेंट पढ़ के आती तो ये बात नहीं कहती। छोड़ दीजिए पोशाक, छोड़ दीजिए स्कूल यूनिफॉर्म, अगर आज का जजमेंट अगर आप ढंग से पढ़ती तो उच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि अपनी धार्मिक पहचान को, जो समानता की पहचान है आपका स्कूली पोशाक, आप उसको ऊपर नहीं रख सकते। यू हैव टू कीप योर रिलीजियस आइडेंटिटी आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। और इसलिए कोर्ट ने कहा है कि कल को कोई भगवा पहनाएगा, और माफी चाहती हूँ यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब होने, देखिए मैं इनके ऊपर नहीं बोली अंजना जी, ठीक है, मैं इनके ऊपर नहीं बोली अंजना जी, मैं अपनी बात कानूनी तरीके से रखूंगी। पगड़ी की बात कर रही है मोहतरमा, पगड़ी की बात कर रही है, दो पंजाब और हरियाणा के एक करके साधना जी आप तो बीच में नहीं बोलती थी, मैं बोलूंगी मैम जवाब नहीं बोलूंगी प्लीज। सिखिज्म के पांच आंतरिक या अनिवार्य हिस्सों में से पगड़ी पहनना एक है। मैंने कुरान के सुर्राओं की बात ये जो संवैधानिक अधिकार है कपड़े का चयन करना, लेकिन फिर कोई भी बच्चा कह सकता है कि मैं तो शॉर्ट्स पहनकर स्कूल आऊंगा, मैं कुछ, यूनिफॉर्मिटी की बात है ना, यूनिफॉर्मिटी की बात है, ये स्कूल में यूनिफॉर्म की बात है, इसको मिसलीड मत कीजिए। लोग मार्केट में अन्य जगहों पर पब्लिक प्लेसेस पर जा सकते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म की बात है। सैदा फलक साहब, अंजना जी, इसको मौलिक अधिकार से कैसे जोड़ रहे हो वैसी साहब जी? अंजना जी, बहुत दिन से हम ये बात बोलते आ रहे हैं, ये बात क्लियर होना चाहिए कि मुसलमान ये नहीं बोल रहे कि है सो हम स्कूल यूनिफॉर्म मेंटेन नहीं करेंगे, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन पूरी तरीके से होगी, स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल ड्रेस, स्कूल के कोड सब फॉलो करेंगे, जो कलर का यूनिफॉर्म होता है ना वही कलर का एक हेडस्कार्फ ऐड करेंगे, क्योंकि वो हमारे रिलीजन में कंपलसरी है तो हम वो जरूर पहनेंगे। ये हमारे राइट्स का वॉयलेशन है, किसी का हक नहीं बनता कि उन बच्चियों को मजबूर करे कि वो हिजाब या किताब में चूज करे, वो एजुकेशन या अल्लाह के हुक्म में चूज करे, मजबूर हो जाए। ठीक है, अब जो फैसला आया है वो उससे हम डिसएग्री होते हैं, और हमारा पूरा पूरा हक है कि हम उससे डिसएग्री हो, उससे बड़ा भी एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और हमें उम्मीद है कि जो पेटिशनर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी और हमारे हक में फैसला आएगा, इंसाफ होगा इंशाल्लाह।
अब रही बात वो लड़की आप स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो तो उनकी चॉइस है कि वो हिजाब उतार के आप क्या बोलेंगे स्कूल जाए या ना जाए। नहीं, आप, वो आप क्यों नहीं बोल सकते, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। सैदा फलक, आप क्यों नहीं कह सकते कि आपके लिए पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए? क्यों झिझकती हैं आप ये कहने में? किसी के लिए मजहब ज्यादा है या पढ़ाई ज्यादा है वो उनका पर्सनल चॉइस है, वो खुद डिसाइड करेंगे जाना या नहीं जाना है। लेकिन आप ये बात सोचिए, जो लड़कियां मानती है कि हिजाब जरूरी है, कंपल्सरी है हमारे रिलीजन में पहनना, और वो पूरी पूरी तरीके से फॉलो करते आती है, और अब उनको अचानक से बोला जा रहा है कि अगर पढ़ना हो तो निकाल कर आओ, उन पर क्या बीत रही होगी आप सोचिए। इतना मुश्किल डिसीजन है उनके लाइफ का, इतना डिफिकल्ट सिचुएशन उन लड़कियों के लिए बना दिया गया है। जी अंजना जी, एक बार फिर कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है कि बुर्का और हिजाब जैसी जो रूढ़िवादी मानसिकता को महिलाओं पर थोपते आए हैं, इससे साबित हो गया है कि हिस्सा रहा है ना कि कुरान या इस्लाम का हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि एज मुस्लिम मैं ये बात जानती हूँ कि कुरान में जो हिजाब का शब्द का मेंशन है 7 बार है, वो एक बार भी उसका मतलब महिला के परिधान से या महिला के हेड कवर या स्कार्फ से नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है, सेपरेशन वॉल, शील्ड, डिस्टेंस, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है। जब हम बात करते हैं कि उनकी राइट टू फ्रीडम पे हमला हो रहा है, तो भाई राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है ना आर्टिकल 25 में, आप जाके जहां पे पब्लिक लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, आप जहां पे जो पहनना है पहनी है। जैसे कि हमारी बहुत सारी ऐसी सेक्युलरवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है वो अपनी पर्सनल लाइफ में अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ लीड करती है, लेकिन टीवी पे प्रोपेगेंडा करने के लिए वो ये दिखाने के लिए आती है कि उनको भाई वो एक बहुत अच्छी मुसलमान है। तो ये प्रोपेगेंडा करना बंद हो करना होगा। ये सेक्युलरवादी पार्टियां चाहती हैं कि मुस्लिम महिलाएं एजुकेशन से दूर हो जाए, जिस तरह से उनको हिजाब और किताब में से चूज करना पड़ रहा है, ये उनके प्रोपेगेंडा के तहत ये सारी चीजें हो रही।